माननीय मुख्यमंत्री जी, तनिक उन अभ्यर्थियों की भी सुन लो जो इस भीषण काल में अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, इस एपिसोड में हम एक खास तौर पर ये वीडियो जो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम खास तौर पर एक रिक्वेस्ट करने वाले हैं। यूपीटेट 2021 जो प्रस्तावित है, 23 जनवरी को जो परीक्षा होना निर्धारित हुई है, उसको पोस्टपोन करने के लिए एक निवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप भी मेरी आवाज़ बनिए और बने रहिए चैनल के साथ इस वीडियो में एंड तक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर लगा लीजिएगा। आप मेरी आवाज़ बनिए, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीटेट 2021 23 जनवरी को होना प्रस्तावित है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएँ हैं जो निरस्त कर दी गई हैं या फिर आगे बढ़ा दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, जिस तरीके से वायरस का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, रोज़ नित नए केस आ रहे हैं सामने। दोस्तों, ऐसे में उस परीक्षा का कराना अभी औचित्य नहीं बनता है जिस परीक्षा के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर यूपीटेट नहीं होता है, 2 महीने तो वैसे भी इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान कोई नई भर्ती भी नहीं आ रही है। दोस्तों, तो ये परीक्षा ना कराए सरकार, इस वीडियो के माध्यम से ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक सर्वे कराया था जिसमें सर्वाधिक जो है, जितने भी वोट पड़े, सर्वाधिक वोट नेगेटिव में रहे, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो है तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये परीक्षा अभी आगे बढ़ा दी जाए। वैसे भी 2 महीने कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट भी आया था कि अभी कुछ लोग कोविड पॉजिटिव भी हैं, किसी को कोल्ड हो रखा है। दोस्तों, ऐसे में 21 लाख परीक्षार्थी जब इकट्ठे होंगे और 21 लाख परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे, तो कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा, कैसे ये सब होगा। दोस्तों, यूपीपीएससी ने भी अपनी 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा निरस्त कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि कितने बोर्डों ने कितनी परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। दोस्तों, स्वास्थ्यकर्ताओं की एक परीक्षा होने वाली थी, वो भी निरस्त कर दी है। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं, वो भी निरस्त कर दी है। यहाँ तक कि प्रदेश के समस्त माध्यमिक प्राथमिक स्कूल जो है शिक्षण कार्य के लिए बंद हैं, यानी कि उनमें शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में 23 जनवरी को यूपीटेट कराना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी अभ्यर्थियों की आवाज़ जरूर सुने। दोस्तों, इस परीक्षा को जो प्रस्तावित है आपकी 23 जनवरी को, इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों, 2 महीने जो इलेक्शन है, उन 2 महीनों का जो समय है, उन 2 महीने में आप इस परीक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी कोई नियुक्ति नहीं होने वाली है इस परीक्षा के बाद, तो इस परीक्षा को आप 2 महीने बाद भी करा सकते हैं। दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, हमारी जो आवाज़ है वो उठी है। ऐसे ही वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा तो ये आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाएगी। आप लोग मेरी आवाज़ बनिए, मैं आपकी आवाज़ ज़रूर बनूंगा। दोस्तों, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ में, आपकी आवाज़ बनने के साथ में। चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कुछ समय बाद, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।